गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। फूड्स एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अनुसार हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 15th चैप्टर थेरेप्यूटिक डाइट हम इन दिनों पढ़ रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक है भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके आहार को किस तरह से बनाया जाता है। पिछली बार हमने पढ़ा था भोजन में रचना को परिवर्तित करके, तीन तरह से था ना, सॉफ्ट डाइट था, क्लियर लिक्विड था और सेमी लिक्विड। वैसे ही हम यहाँ भी भोजन में परिवर्तन कर रहे हैं पौष्टिक तत्वों की मात्रा को चेंज करके। क्यों? क्योंकि रोगी में किसी पोषक तत्व की, कोई एक पोषक तत्व के कारण वो प्रभावित हो जाता है। मतलब उस रोगी को वो पोषक तत्व किसी भी रूप में डाइजेस्ट नहीं हो रहा या उसका चयापचय नहीं हो रहा। तो रोगी को कोई एक पोषक तत्व जब प्रभावित करता है तो हमको उस पोषक तत्व को या तो कम देना पड़ता है या तो वो पोषक तत्व को हमको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसकी चयापचय क्षमता में चेंजेस आ जाते हैं। और चयापचय क्षमता में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई बीमारी के कारण, जो कोई बीमारी है उसमें कोई रीज़न है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ बीमारी में चयापचय क्षमता कम हो गई कि वो ग्लूकोज को नहीं पचा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति को ग्लूकोज कम मात्रा में खाना चाहिए, मतलब उसको एज ए होल कार्बोहाइड्रेट ही कम खाना चाहिए जिससे कि ग्लूकोज का लेवल उसका मेंटेन रहे और ग्लूकोज उसके अंदर ना बढ़े। तो इसलिए कोई भी रोगी को किसी एक पोषक तत्व के कारण अगर वो प्रभावित हो जाता है, मतलब उस पोषक तत्व को या तो उसे कम लेना पड़ता है या ज़्यादा लेना पड़ता है। तो हम कई रूपों में पोषक तत्वों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पोषक तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करके। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व में परिवर्तन करके। तो कार्बोहाइड्रेट में जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, उच्च कार्बोज युक्त आहार, तो उच्च कार्बोज युक्त आहार हम देंगे या तो यकृत की बीमारी में या फिर प्री ऑपरेटिव कंडीशन, जो शल्य क्रिया होती है, ऑपरेशन होता है उसके जस्ट पहले, और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, जब ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल कम हो रहा है उस वक्त भी हमको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी पड़ती है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, प्री ऑपरेटिव कंडीशन और लिवर की डिजीजेस। लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमको डायबिटीज में डायबिटिक पेशेंट को देनी चाहिए। ऐसे ही हम ऊर्जा यानी कैलोरीज नामक न्यूट्रिएंट जो है उसमें परिवर्तन करके भी भोजन को प्लान कर सकते हैं। जैसे उच्च ऊर्जा युक्त जो भोज्य पदार्थ है, उच्च ऊर्जा वाला जो खाना है वो हम फीवर में देंगे, बुखार में, संक्रमण यानी इन्फेक्शन में, निम्न भार मतलब जो कम वजन वाले, जो अंडरवेट वाले लोग हैं हम उनको भी उच्च ऊर्जा वाला भोजन देते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं, और कुछ चयापचय बीमारियों में भी उच्च ऊर्जा हाई कैलोरी डाइट दी जाती है। लेकिन लो कैलोरी डाइट भी हम देते हैं, और कम ऊर्जा किन किन को देंगे? हम मोटापे में देंगे, ओबेसिटी में, हृदय की बीमारियों में देते हैं, हिपेटिक कोमा में देते हैं, यकृत की बीमारी और एक्यूट यूरेमिया में भी लो कैलोरी डाइट दी जाती है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन न्यूट्रिएंट को मात्रा में परिवर्तित करके। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, उसकी मात्रा में किस तरह से परिवर्तन करेंगे? हमको निम्न प्रोटीन किस में देना है, प्रोटीन बहुत कम या हटा लेना है, वो है हिपेटिक कोमा, क्योंकि कोमा की कंडीशन है, प्रोटीन जो है वो लिवर नहीं पचा पा रहा है। तो हिपेटिक कोमा और एक्यूट यूरेमिया में तो हमको प्रोटीन की मात्रा बहुत कम देनी है। लेकिन जब प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है वो कंडीशन है यकृत का सिरोसिस, कुपोषण, पेप्टिक अल्सर और नेफ्रोसिस।
इन कंडीशन में हमको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है इन रोगियों को, इन रोगों से जो पीड़ित रोगी हैं उनको। फिर नेक्स्ट है फैट में परिवर्तन करके, वसा की मात्रा में परिवर्तन करके। तो वसा की मात्रा में किस तरह से परिवर्तन करेंगे, जो कुपोषित व्यक्ति होते हैं उनको तो हम हाई फैट मतलब उच्च वसा युक्त भोज्य पदार्थ देंगे, लेकिन निम्न वसा यानी लो फैट डाइट हम कई बीमारियों में देते हैं। कई बार लो फैट के अलावा हमको वसा रहित डाइट भी देनी पड़ती है। जैसे मल के साथ अगर वसा निकलता है यानी स्टेटोरिया कंडीशन हो जाती है तब भी हम वसा में परिवर्तन करते हैं, मतलब वसा रहित डाइट देते हैं। या फिर यकृत की बीमारी होती है तब भी हमको कम वसा देनी पड़ती है। और या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रम नामक बीमारी होती है, माल एब्जॉर्प्शन होता है तब भी हमको वसा की मात्रा डाइट में कम करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है खनिज लवणों में परिवर्तन करके। खनिज लवणों में कई खनिज लवण है जिनको हम परिवर्तित करके और भोजन को प्लान करते हैं। जैसे हाई कैल्शियम डाइट उन लोगों को दी जाती है जिनमें कैल्शियम की कमी हो, जैसे रिकेट्स बच्चों में बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता वयस्कों में होती है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में हम हाई कैल्शियम डाइट देंगे, जबकि लो कैल्शियम जो है वो रीनल कैलकुलस जिसमें स्टोन्स वगैरह होते हैं और किडनी की जो बीमारियां हैं, जो गुर्दे यानी वृक्क की बीमारियां होती है उसमें हम लो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डाइट देते हैं। और कई बार हमको सोडियम रहित डाइट भी देनी पड़ती है। सोडियम रहित डाइट हम किडनी की बीमारियों में देंगे, हाइपरटेंशन में, हाई बीपी वगैरह में देंगे और हृदय की बीमारियों में भी हमको सोडियम रहित डाइट देनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम रेशे की मात्रा में परिवर्तन करके, जो भोजन में रेशे होते हैं वो भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, क्योंकि फाइबर कम और ज़्यादा होने से भी हमें कई बीमारियाँ हो जाती है और उन फाइबर को कम और ज़्यादा लेने से भी वो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जैसे कि हाई फाइबर डाइट हम उसमें लेंगे जब शरीर में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, मल का निष्कासन नहीं हो पा रहा हो तो हम हाई फाइबर डाइट लेंगे। लेकिन लो फाइबर मतलब हमको रेशे की मात्रा कम लेनी है, कब लेनी है, जब दस्त बहुत ज़्यादा हो रखी हो, जिसके डायरिया होता है उसको बहुत कम रेशा देते हैं, और या फिर पेचिश जिसके डायरिया के साथ खून भी आ रहा हो, ब्लड भी आ रहा हो, जिसके घाव हो गए हो अमाशय में या पेनक्रियाज में यानी पेप्टिक अल्सर हो गया हो, या फिर पाचन नली की बीमारी होती है तो हमको रेशे की मात्रा रोगी को कम देनी होती है। उसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे निम्न प्यूरीन डाइट। प्यूरीन जो है वो एक प्रोटीन का ही पार्ट है और प्यूरीन को अगर हम कम देंगे तो गठिया रोग आगे नहीं बढ़ेगा। गठिया रोग में इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसलिए लो प्यूरीन डाइट दी जाती है। और रीनल कैलकुलस में प्यूरीन भी कम देते हैं और ऑक्सैलिक एसिड भी, जैसे मतलब पालक के पीछे के जो पत्ते के जो पीछे डंठल है वो भी हमको नहीं खाने हैं, या फिर टमाटर के बीज भी नहीं खाने हैं, हरी मिर्ची के बीज भी नहीं खाने हैं। तो मतलब ऑक्सैलिक एसिड्स जो हैं वो और प्यूरीन जो है वो कम लेंगे हम रीनल कैलकुलस बीमारी में। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों को कम या ज़्यादा करके भी हम रोग की अवस्था को ठीक कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करके, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे हम डायबिटिक पेशेंट को, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम देते हैं यकृत की बीमारी में या फिर हाइपोग्लाइसीमिया में या प्री ऑपरेटिव कंडीशन में। फिर अगर हम ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, कैलोरी की मात्रा को परिवर्तित करते हैं, तो अगर उच्च ऊर्जा हमको देना है तो बुखार में, संक्रमण में, निम्न भार में, हाइपर थायराइडिज्म में और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में। फिर जब हमको कम कैलोरी कम ऊर्जा देनी है तो कम ऊर्जा हम मोटापे में, ओबेसिटी में, हृदय की बीमारियों में, एक्यूट यूरेमिया में और हिपेटिक कोमा में देते हैं। फिर प्रोटीन की मात्रा में, प्रोटीन न्यूट्रिएंट की मात्रा में परिवर्तन जब हमको करना होता है तो उच्च ऊर्जा हम पेप्टिक अल्सर में देंगे, नेफ्रोसिस में और यकृत की बीमारी में, यकृत का सिरोसिस और कुपोषण में। कुपोषण में तो अच्छी मात्रा में हमको प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ता है। और लो प्रोटीन डाइट हम एक्यूट यूरेमिया
और हिपेटिक कोमा में देते हैं। फिर वसा की मात्रा में परिवर्तन करके हम हाई फैट सिर्फ कुपोषित व्यक्ति को ही देते हैं, जिनके कुपोषण हो गया है, जिनका वजन बहुत कम हो गया है और उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो कुपोषण में हमको हाई फैट डाइट देनी है, बाकी हमको नॉर्मल फैट देना है या फिर वसा रहित डाइट या फिर लो फैट डाइट रखनी होती है। तो लो फैट डाइट या फिर वसा रहित डाइट जो है वो हम स्टेटोरिया में, यकृत की बीमारी में और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में देते हैं। फिर मिनरल्स में खनिज लवणों की मात्रा में भी हम परिवर्तन करते हैं। खनिज लवणों में कैल्शियम की मात्रा में परिवर्तन करेंगे। हाई कैल्शियम डाइट हम बच्चों को, जब रिकेट्स की बीमारी होती है तो रिकेट्स को ठीक करने के लिए हाई कैल्शियम डाइट, और बड़ों में अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है तो हाई कैल्शियम डाइट दी जाती है, लेकिन जब रीनल कैलकुलस और किडनी की बीमारी होती है तो हमको लो कैल्शियम डाइट देनी पड़ती है। और सोडियम रहित डाइट किडनी की बीमारी में, हाइपरटेंशन में और हृदय की बीमारियों में देते हैं। रेशे की मात्रा में परिवर्तन करके जब हम भोजन का आहार आयोजन करते हैं तो हाई फाइबर डाइट हम कब्ज को दूर करने के लिए देते हैं और लो फाइबर डाइट हम डायरिया में, पेचिश में, पेप्टिक अल्सर में और पाचन नली की बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं। और निम्न प्यूरिन डाइट जो है वो गठिया को ठीक करने के लिए और रीनल कैलकुलस को ठीक करने के लिए लो प्यूरिन, निम्न प्यूरिन डाइट तो है ही, उसके साथ निम्न ऑक्सैलिक एसिड डाइट भी हम उनको देते हैं। तो इस तरह से अगर पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो रोगी की अवस्था बहुत जल्दी ठीक होती है और रोगी के रोग जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू।